हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर। और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। मैंने जो छोटा सा एक बजिस पैरोट के लिए कॉलोनी बनाया है, तो मैंने सोचा कि वहाँ ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे, मतलब ब्रीडिंग के लिए उन लोगों को मटकी विथ ब्रीडिंग बॉक्स भी उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं मेरा कॉलोनी के लिए कैसे बजिस पैरोट के लिए ब्रीडिंग बॉक्स तैयार कर रहा हूं और सही तरीका क्या होता है। आपको अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बजिस पैरोट ब्रीडिंग के लिए आपका बजिस पैरोट को भी अगर आप ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कैसे मैं मेरा ब्रीडिंग बॉक्स तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रीडिंग बॉक्स और मतलब मटकी के अंदर क्या डिफरेंसेस है और दोनों में क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है। और फ्रेंड्स, मैंने मेरा बजिस पैरोट ब्रीडिंग के लिए जो ब्रीडिंग बॉक्स तैयार किया है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, चारों तरफ पहले देख लीजिए। नहीं, वो बात में खोलेंगे, पहले चारों तरफ दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, यहाँ से ही वो एंट्रेंस की जगह है। ठीक है, और अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, इस साइड को देखिए यहाँ। ठीक है, ये पूरा हम लोग ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ चारों प्लास्टिक का छोटा छोटा बफर मैंने लगा दिया है ताकि मतलब ये जो मैं उनका अंदर बिठाऊंगा ये डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से ले जाके मैं ऐसे बिठा दूंगा को मतलब डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, और इसको कर दूंगा ऐसे बंद और यहाँ छोटा सा एक लॉक लगाना है, अभी ये काम बाकी है। तो इस तरीके से मैंने मेरा ब्रीडिंग बॉक्स तैयार किया है और इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ इसको निकल के इसके जगह ऐसा एक नया हम इसका अंदर डाल देंगे। मतलब मैंने तो जब परचेज़ किया था डबल सेट परचेज़ किया था ताकि हमको आसान हो, मतलब चेंज करने वक्त ये सारे निकल के दूसरा एक यहाँ मैं प्रोवाइड कर दूँगा आसानी से। ठीक है, और बाद में इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके सनलाइट में बहुत अच्छी तरीके से सूखा भी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं चेंज करूँगा, यही मतलब साफ़ सफाई करने के बाद इसको फिर से अंदर डालूँगा और दूसरा जो रहेगा उसको आसानी से मतलब बाहर निकल के रख दूँगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत सारा नेस्ट बॉक्स को मैं आसानी से साफ़ सफाई कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो ब्रीडिंग बॉक्स था मैंने तैयार किया है, ये मतलब इसका साइज क्या है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। इसका जो वाइड थे वो है 8.5 इंच का, ये रहा 8 इंच, मतलब 8.5 इंच का। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो है 11.5 इंच। ठीक है, 11.5 इंच, ओके। और इसका जो होल मैंने बनाया ये 2 इंच का, लगभग 2 इंच, 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 2 इंच ही होगा तो आराम से चल जाएगा, 2 इंच का ही होल है। और नीचे से मतलब नीचे से जो बनाया 5 इंच, एकदम नीचे से लेके जो एंट्रेंस है उस जगह का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 5 इंच है, मतलब ये जो जगह है ये 5 इंच है। ठीक है, और उसका सामने मैंने बैठने के लिए ऐसा एक स्टिक लगा दिया और ये लगाया 5 इंच का। ठीक है, 5 इंच का एक स्टिक लगा दिया। और ये छावनिया और इसका जो लेंथ है ये भी है 8.5 इंच का। ठीक है, और इसका जो मतलब ऐसे एक शेप में मैंने बनाया, तो इसका एक साइड का जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच, लगभग 6 इंच। ठीक है, और इस साइड भी देख लीजिए, यहाँ भी 6 इंच ही है, 6.5 इंच ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ ब्रीडिंग बॉक्स बनाया। और ये जो है गौरदा, ये मतलब ये नहीं कर पाता ऐसा कोई काम ही नहीं है। मेरे ब्रीडिंग बॉक्स मतलब फार्म का पूरा काम, पूरा फार्म सेटअप से लेके पूरा काम अकेले ही कर देता है। मतलब बहुत ही हेल्प हो जाता है हमको इस दादा से, क्योंकि अलग अलग
से देख की क्लिप लग रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मटकी लगाने से और नेस्ट बॉक्स लगाने से क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान है। पहले बताते हैं नेस्ट बॉक्स के बारे में। देखिए अगर आप अपना बेजी स्पैरोट ब्रीडिंग के लिए नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। मतलब एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। एक मटकी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका कई गुना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से जो जो फ़ायदा है वो है बहुत कम टाइम स्पेंड करके बहुत सारा नेस्ट बॉक्स को आप आसानी से साफ़ सफाई कर सकते हैं। और हम सब भी जानते हैं कि जितना साफ़ सफाई रखेंगे उन लोगों का नेस्ट बॉक्स या मटकी उतनी अच्छी से हम लोगों को ब्रीड मिलेगा। मतलब बजी स्पैरट्स का हेल्थ स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो चिक हैच होगा नेस्ट बॉक्स या मटकी का अंदर उन लोगों का हेल्थ स्वास्थ्य सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अभी आते हैं मटकी के बारे में। अगर आप मटकी प्रोवाइड करेंगे अपना बजी स्पैरट का ब्रीडिंग के लिए तो देखिएगा बहुत ही कम खर्चे में बहुत ज़्यादा मटकी आप उन लोगों को आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है मटकी लगाने से, साफ़ सफाई में आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक मटकी का साफ़ सफाई करना चाहते हैं तो बहुत ही दिक्कत की बात होती है। क्योंकि तो जहाँ लगाया हुआ है वहाँ से खोल के मटकी ऐसे बना होता वो अंदर हाथ डाल के आपको साफ करना पड़ता है और ये थोड़ा मुश्किल भी होता है और उतनी अच्छी से भी साफ हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉब्लम है, हम लोग कभी कभी देखते हैं बजी स्पैरट का बहुत ज़्यादा एग बाइंडिंग होते हैं। मतलब उसका पेट से ठीक से अंडा नहीं निकलता है। हाँ, एग बाइंडिंग का मेन जो कारण होता है, कॉज होता है, वो है कैल्शियम मिनरल्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसी के साथ वेदर चेंजिंग के वजह से भी कभी कभी हो सकता है। मतलब गर्मी से अचानक से ठंड पड़ जाने के लिए वो मतलब टेम्परेचर गिर जाने के लिए ये हो सकता है। ज़्यादा करके विंटर सीजन में मतलब सर्दी का मौसम में आप लोग देखिएगा कि ज़्यादा एग बाइंडिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि मटकी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए उन लोगों का ये प्रॉब्लम बजी स्पैरट का फीमेल का ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है। और सर्दी का मौसम में ये भी आप फॉलो कीजिएगा कि वो जो चिक्स नया नया चिक है मतलब हैच होता है वो कभी कभी एक्सपायर भी हो जाता है वो ठंड की वजह से। और फ्रेंड्स बजी स्पैरट्स किसी भी नेस्टिंग पसंद नहीं करता है। आप किसी भी तरीके से नेस्टिंग इसका मतलब मटकी के अंदर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो वहाँ कंफर्टेबली अंडा ले नहीं करेगा या चिक को हैच नहीं कराएगा। अगर आप कोई नेस्टिंग देंगे तो वो बाहर निकल के फेंक देगा और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसीलिए विदाउट एनी नेस्टिंग वो सारे चिक वगैरह जब मटकी के अंदर रहता है तो उन लोगों का ज़्यादा ठंड लगता है और उसी वजह से कभी कभी वो लोग एक्सपायर भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी कुछ डिफरेंसेस है नेस्ट बॉक्स और मटकी के अंदर। आप लोगों का शायद समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा, आसानी से मैं आप लोगों को समझा पाया, मैं उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।